सो क्या स्टेप्स लेनी चाहिए जब हम लोग एडीएचडी को पर्सनालिटी में कन्वर्ट ना होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहली चीज है ये ध्यान में रखना कि अर्ली इंटरवेंशन बिफोर द चाइल्ड, बच्चे के हायर फंक्शंस डेवलपमेंट होने का टाइम होता है 0 से 7 साल। 7 साल में कंप्लीट पर्सनालिटी के जो भी रॉ मटेरियल है वो डेवलप होते हैं। ये जो रॉ मटेरियल्स है ये 7 साल से 12 साल तक आ, आ, 7 साल के 12 साल तक अचीव होते हैं, या बच्चा जनरलाइज करता है अपने ओरिएंटेशन को, अपने थॉट्स को, अपने इमेजिनेशंस को। ये जनरलाइज करने का टाइम है 7 से 12 साल, और उसके बाद 12 से 15 साल वो बच्चा मास्टरी करता है वो हायर फंक्शंस पे, एंड देन द चाइल्ड बिकम्स अ पर्सनैलिटी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्क ऑन एडीएचडी बिफोर इट बिकम्स द अफेक्टेड हायर फंक्शंस। दैट्स द बेस्ट टाइम। व्हाट इज द बेस्ट टाइम? 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इज द बेस्ट टाइम। क्या होगा अगर आप 8 साल के एडीएचडी बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेकर आएंगे, तो उसमें वो बच्चे के हायर फंक्शंस ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी दे आर गॉन इनटू द एडीएचडी, द डिस्टॉर्टेड थॉट प्रोसेस, डिस्टॉर्टेड इमोशंस आर डेवलप्ड। सो वी हैव टू वर्क ऑन देम आल्सो इन द लेटर ऑन स्टेजेस। सो जो एक 6 महीने का प्रोटोकॉल है दैट मे बिकम फॉर 2 to 3 इयर्स। देन नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड एडीएचडी एज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड नॉट एज अ एकेडमिक डिसफंक्शन। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अभी वो अपनी कॉपियां पूरी करता आता है, अभी उसका क्लास वर्क भी कंप्लीट होता है, अभी उसका होमवर्क भी कंप्लीट होता है, अभी वो ठीक हो गया। लेकिन ठीक होना मींस सिटिंग टॉलरेंस डेवलप करना, सिलेक्टिव अटेंशन डेवलप करना बिल्कुल भी नहीं है एडीएचडी में। क्या एडीएचडी में डेवलप होना क्या है? क्या वो अपने जो भी एबिलिटीज डेवलप हुई है वो क्या सोसाइटी में उसको जाके फॉलो करता है? क्या वो एबिलिटीज को या हायर फंक्शंस को प्रॉपरली सोसाइटी में जनरलाइज करता है या नहीं करता है, ये देखना बहुत जरूरी है, रादर देन फॉलोइंग हिम एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ एडीएचडी इन हायर फंक्शन इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट स्टॉप्स। यस, कुछ कुछ बच्चों के लिए मैं जब When I give the discharge, I ask the parents to come after 6 months, come after 2 months, come after 1 year, and then let's do that VSMS or let's understand his social quotient to whether he is his social quotient, like ability to sustain in a society, ability to behave in a society, or developed abilities so that I can get integrated into the society, जिसको हम लोग social quotient कहते हैं। वो लगातार चेक करना जरूरी है। डेवलपमेंट ऐसी नहीं है कि वो एक ही लाइन में जाती है, डेवलपमेंट हैपेंस इन मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल क्वाड्रेंट्स एंड मल्टीपल डायरेक्शंस में डेवलपमेंट होती रहती है। तो वी नीड टू चेक वेदर द एडीएचडी इज व्हाट एवर द एबिलिटीज यू आर डेवलप्ड वंस अपॉन टाइम आर दे गेटिंग जनरलाइज इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट चैलेंजेस और प्रेजेंट एज अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट और नो। नेक्स्ट इज identify the elements of ADHD, sorry, of treatments of, and last is check the social development on regular basis. That's what I said in the previous point. उसकी social development अपने age के हिसाब से, जब वो puberty में जाता है तब वो कैसे behave करता है, जब वो toddler है तब वो कैसे behave करता था, अभी वो college में जा रहा है तब वो कैसे behave करता है, एक छोटा सा understanding होना जरूरी है, क्यों, ताकि ये देखना हमें होता है कि whether the child is developing appropriately personality or no. So यहाँ पर SQ and EQ is more important than IQ. बच्चा कितना होशियार है उससे ADHD का कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने ये रखता है कि वो बच्चे का इमोशनल क्वोशंट कितना अच्छे से डेवलप हो रहा है या उसका सोशल क्वोशंट कितना अच्छे से डेवलप हो रहा है, ताकि वो एक अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी बाद में जाके दिखाए। सो रिमेंबर द रेड फ्लैग। ये मैं आपको एक चीज, जस्ट वन मैसेज आई वुड लाइक टू गिव, दैट एडीएचडी इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट इज नॉट, इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली देन इट मे ब्रिंग इरिवर्सिबल कंसिक्वेंसेस इन द पर्सनैलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू। If you have any queries, you can post it in the chat box, and my representative will bring it back to me.